जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा। डराओ मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डराओ मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डराओ मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोनाफाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है, सदस्यों पे तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए।